लोबो, हमारे घर में भी एक स्टोर रूम है ना? स्टोर रूम नहीं, डॉल्स रूम है। उसकी चाबी किसके पास है? चाबी तो बचपन से तुम्हारे पास ही रहती थी। मेरे पास? उसमें है क्या? कैसी बातें कर रही हो? उस रूम में तुम्हारे बचपन के डॉल्स हैं। तुम तो कभी भी किसी को उस रूम में घुसने नहीं देती थी, बल्कि कभी कभी आजकल रात को तुम वहां जाती हो। अब भी जाती हूँ? मुझे कुछ याद नहीं, मैं वहां जाना चाहूंगी। अब वक्त की आहट भी मुझको कदमों से डराती है। अब वक्त की आहट भी मुझको कदमों से डराती है। सपनों का सुनहरा आंगन है पर धूप जलाती है। जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं ठीक होगा। ये सब कुछ देख रहे हो? ये सब कुछ देख रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं देखा। आप किससे कुछ नहीं कहोगे? नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप किसी को कुछ नहीं बताओगी? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी अवंतिका। कुछ नहीं बेटा, ये होगा कि इस रूम में ताला लगाकर तुम नहीं, तुम बहुत दूर चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। अब मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं ऐसे जाल में फंस गई हूँ जिसे निकलना आप मेरी बस में नहीं है। तुम कोई जाल में नहीं फंसी हो। तुम इंडिया छोड़कर कहीं दूसरे कंट्री में चली जाओ। नहीं, पुलिस ने मेरी पासपोर्ट जब्त कर ली। I can't leave my country. मैं कहीं नहीं जा सकती। बेबी, बस बस। बेबी, बेबी, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे नए नॉवल के पेपर्स हैं। Why you burning it? मुझे नॉवल नहीं लिखना, मुझे कुछ नहीं लिखना। लेकिन क्यों? क्या होगा इससे बेबी? क्योंकि नॉवल लिखते लिखते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो कैरेक्टर मेरे अंदर आ गया। एक अवंतिका दो जिंदगी जीने लग गई, एक अपनी और दूसरी उस खूनी की। बिल्कुल अपनी माँ की तरह मैं पागल हो गई हूँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। Come on, 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 come on
देख के नहीं चलते। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं चौके नहीं, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? नो 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 इट्स फाइन। नहीं मैं घर छोड़ देता हूँ आपको। नहीं जी कोई जरूरत नहीं। आई इंसिस्ट प्लीज। थैंक यू ऑफिसर। माय प्लेजर। एक्सक्यूज मी मैम। यस। आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डर? मौत का। इस घर में आप पवंतिका के साथ रहती हैं। देखिए मिसेज लोबो, हो सकता है अवंतिका अपनी माँ की तरह ही पागलपन का शिकार हो और आपको भी। अच्छा आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि अवंतिका मानसिक रूप से बीमार है? महसूस होने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ सकती है, आंखें खुली रखिएगा, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मिसेज लोबो उन बेचारों को होश ही कहाँ रहता है। एनीवे टेक केयर। या एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न। दवा? किस मर्ज की दवा ही? स्किज़ोफ्रेनिया में दी जाती है। इस दवा का मरीज पर क्या असर होता है? It depends on a person's condition. कभी-कभी मरीज इसे खाकर शांत होकर सो जाता है और कभी-कभी उसका दिमाग सो जाता है और उसका शरीर जागता रहता है। This is a very dangerous condition. क्योंकि ऐसे में मरीज कुछ भी कर सकता है और उसे याद नहीं रहता। अवंतिका इसे इस्तेमाल करती है। तुम्हें कैसे पता चला? मिसेस लोबो के शॉपिंग बैग से निकाला था। मिसेस लोबो से बात करनी होगी। वंदिका को होश नहीं रहता तो मिसेस लोबो उसकी बेहोशी की कहानी बताएगी। उदय उदय दूर रहो वंदिका से। शी इज अ साइकोटिक किलर। वो जुनून में आके कुछ भी कर सकती है। महक वो कुछ ना करे इसके लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। पागल हो गए हो तुम। अवंतिका की अगली नॉवल के क्लाइमैक्स में हीरो की मौत होती है और तुम जानते हो ना उस नॉवल के हीरो तुम हो। यह तो बहुत ही अच्छा है। अगर मेरी मौत अवंतिका के खिलाफ सबूत बन सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये डोंट वरी आई विल बी फाइन। हाँ मैं कह रही हूं मैं एक कातिल हूं ऐसा पुलिस के लिए पर मुझे वो याद नहीं। मेरे साथ बलात्कार हुआ ये मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा होता अगर मैं वो भूल पाती। अच्छा होता अगर मुझे याद रहता कि मैंने उस हैवान को कैसे मारा। ये तो मैं बार बार बता चुकी हूं। अगर आपको और कुछ पूछना नहीं है तो मैं जाना चाहती हूं। तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओगी? हाँ। मेरी माँ दूसरों का ख्याल रखने में जिंदगी गुजारती है। वो एक गवर्नेस है। बस मैं ही समाज और तुम जैसे मर्दों की वजह से कातिल भी और बीमार भी। यह दवा तुमने कभी ली है? हाँ ले चुकी हूं। अब फिर रात को भी लेना है। ये दवाई खिलाए बिना नर्स लोग मुझे छोड़ते ही नहीं। उनको डर लगता है कि अगर मैं ये दवाई ना लूं मैं उनको एक एक करके मार डालूंगी। मैं जाऊं? थैंक यू विनी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। Oh,
मैं मिसेज लोबो। मिसेज लोबो। गलती हो ही गई मिस अवंतिका सूर्यवंशी। गलती?